और ये कमर के नीचे ऊपर गला थोड़ा, ये जो रखी गई है ना पट्टी, ये तो बांधने के लिए कफन, और ये जो चादर रखी गई है ये मैयत के उठाने के लिए, ये कफन का हिस्सा नहीं है। अंसर बेटा इस पर रखना है कफन सामने। ये दोनों चादर हैं, ये दोनों चादर बराबर होती हैं, इनको बिल्कुल बराबर ही रखना है। माड़ी ना अच्छा, लेकिन जिंदगी में कफन नहीं, ये जरूरी नहीं चाहिए। अब जो है वो तीसरा एक कमीज होती है, कमीज को बिछाना है। तो कमीज को कैसे बिछाना है ये आप देखते जाएंगे। इसके दो पल्ले होते हैं, एक आगे वाला पल्ला, आगे वाला हिस्सा, और एक पीछे वाला हिस्सा। तो दरमियान में करो बेटा, दरमियान ना मतलब चल रहा है, दरमियान चलना होगा, दरमियान में करिए ना कमीज दी, और नीचे करो थोड़ा, थोड़ी नीचे कर लो बेटा, नीचे कर लो थोड़ी, बस 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 बस, ज्यादा कर लिया ना, बस ठीक है, फोल्ड करो। ये इधर से बराबर करते ना, ये देखो ना, इधर से बराबर करो। हाँ, ये ऊपर वाला कमीज के ऊपर वाला जो पल्ला है इसे आप फोल्ड कर देंगे, ये फोल्ड करके पूरा पूरा रखो, ये फोल्ड करके रखें। हाँ, अब मैयत को उठा कर इधर लाए, मैयत को उठाएं, उधर से मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है अब्दुल मनात वाला उस पर रखें, अब्दुल मनाने पर। ये मैयत है, इसको उठा करके सही है, एम आर स्विच की बंद है, ठीक है ठीक है, एम आर स्विच सही है। जल्दी करो, जल्दी करो, मैं दुई लंबी करी रखी हो, सीधी करी रखी हो, चादर दुई अदर करी रखे, उधर करो ना बेटा, जरा अमल करा पहले, हो अगड़ा उधर अगड़ा हट, हमें इसको उठा के लाओ, शाबाश, लका चल लका चल, फारा बचा और हम उठाओ, उन्हें एक रखे छोड़ने, ठीक सा तुझे चादर जरी उस तरह में रखा, इसी किस कदर रखा, इसी ये आप ऊपर ऊपर करो, ऊपर करो, और बस 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 ठीक है, उधर हट जाओ, आप आगे से हट जाओ, टोपी दो इसमें। ये मैयत रख दी गई है, ये कमीज पहनाई जा रही है, ये जो आपने तौलिया रखा हुआ था या चादर, जिस गुस्ल देने के बाद जो चादर रखी थी या तौलिया रखा हुआ था, तो ये आपने उसी तरह रखा हुआ है, ये कमीज रख दी गई है। अब आराम से, आराम के साथ ये चादर है या तौलिया है ये निकाल लिया जाए। ये चूंकि सही मैयत नहीं है, इसलिए जराबे पहनी हुई है, सही मैयत होती तो इसने जराबे में पहनी हुई है। अब जो है वह आपने खुशबू, खुशबू खुशबू का दी जाओ, शीशी खुशबू निकाल के दो बिला। अब जो है कमीज पहनाने के बाद आपने जो है वो सजदे के मुकामात पर खुशबू लगवानी है, थोड़ा जा उठिया करिए अंसार, ये जो सजदे के मुकामात हैं यहाँ आप खुशबू लगवा रहे, सज्जा जरूर ना क्यों दस नफा कुछ बायात, फिर बायात इधर से भी बायात लगा लो, ये जो मैयत ने हाथ बाहर निकाल दिए हैं मैयत के हाथ अंदर करो। अब जो है मैयत के घुटनों पर, ये घुटनों पर दूसरे घुटने पर इधर से आप पांव पर भी लगा दो, और अगर तेल दस्तियाब हो तो तेल मैयत के आप दाढ़ी के ऊपर, अगर मर्द है दाढ़ी है तो दाढ़ी के ऊपर और बालों के ऊपर लगा दें, औरत है तो बालों पर थोड़ा सा लगा दिया जाए। अब जो है वो कफन तय किया जाना है, इसको तय कैसे करेंगे, पहले बाया बाया तो कर से काम लोग, पहले बाया बाया मैयत का ये है, ये बाया तरफ, फिर अब दाया एक चादर का, अब दूसरी चादर का पहले बाया और अब दाया। अब जो है वो आप पट्टी, जो एक पट्टी के तीन टुकड़े होते हैं, एक पांव की तरफ बांधा जाता है, एक सर की जाने बांधा जाता है, और एक कमर के ऊपर बांध दिया जाता है। ये कमर का तो आखिरी दम तक बंधा रहता है, तो जब तदफीन होती है तो
मैयत के वो पांव वाले और ये सर वाला जो है वो खोल दिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, अब मैयत को आपने ये सर की तरफ गोया के बांध दी गई पट्टी, वो जो अभी तकसीम नहीं हुई है पट्टी। अब जो है वो आपने मैयत को दीदार के लिए रखना है, तो ऐसे ही मैयत को खोल करके रख लेंगे। ये मैयत क्योंकि जाग रही है इसलिए ये खोल करके ऐसे आप रख सकते हैं ये दीदार। फिर जो है वो अब जो है वो तदफीन का अमल है, बस इस वक्त तक यहाँ सीख लिया जाए और इसी को जो है वो नोट फरमा लिया जाए, इसी की इस्लाह कर ली जाए।